नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बुध ग्रह क्या बोलता है आपके हाथों पर। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हम एक दूसरे के करीब होने की बात बताती है, संपर्क की बात बताती है। तो आज हमने सबसे पहले बुध ग्रह को समझते हैं। बुध ग्रह है क्या? जीवन में कहते हैं ना, बुध की क्वालिटी हो, जिसके अंदर बोलने की कला हो, गलत चीज को भी अच्छे वे में समझा जाता है। लेकिन जिसकी बोलने की क्वालिटी ना हो, अच्छी चीज को समझाने में भी सक्षम नहीं होता है। इसी प्रकार से ये बुध की फिंगर है और ये बुध का माउंट है। हाथ में एक बुध की एक ऐसी फिंगर है, बड़ी हो जाए बड़े क्वालिटियों को बताती है, और ये छोटी हो जाए तो आपके मन के अंदर की बातें दब जाती है। ऐसे लोग हर बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये पर्वत, अगर पर्वत दब जाता है ना, तो आप अपने सर्कल के बीच में, फ्रेंड में, आप अपने रिलेटिव के बीच में ऐसे लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन कुछ क्वालिटियां होती है, जैसे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, व्यवसाय कैसे किया जाता है, और ऐसे लोग साइंस की तरफ बढ़ते हैं, नए नए तकनीक अपनाते हैं, और ऐसे लोगों को देखें तो काफी सुंदर होते हैं। बोलने की कला जिसकी अच्छी हो, व्यक्ति की व्यक्तित्व करने की कला हो, वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ जाता है। और कहते हैं ना कि ये बुध एक ऐसा प्लैनेट है, जिस प्लैनेट के साथ मिलता है वैसी उसकी क्वालिटी हो जाती है। अब ये बुध कि जो कला है व्यापार की, बिजनेस की, बोलने की, समझने की, बड़ी एक्टिविटी रखता है। अगर जिस इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटियां हो, वो तो जीवन में वैसी जंग जीत लेता है। अब ये बुध का माउंट जो है उठा है तो उसकी क्वालिटियां बढ़ जाती हैं, गेन कर जाता है लाइफ में। वैसी ये फिंगर भी है अगर बड़ी है तो, लेकिन अगर ये फिंगर छोटी है, ऐसे लोगों की क्वालिटियां कुछ कम हो जाती हैं, खत्म नहीं होती है। अब इसके ऊपर अगर ये खड़ी रेखाएं हो, ऐसे लोग बिजनेस के क्षेत्र में तरक्कियां करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में तरक्कियां करते हैं, ऐसे लोग नए नए कुछ करने का जज्बात रखते हैं, एक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है। एक छोटी चीज को कितना एक्सप्लेन कर देंगे, एक छोटे से बिजनेस को बड़े से गेन में कर लेते हैं, ये सिर्फ यही लोग समझते हैं जिसका बुध के ऊपर पर्वत अच्छा हो, बुध के ऊपर खड़ी लाइनें हो, तो नई नई चीजों करने का शौक होता है, बिजनेस करने में एक्सपर्ट होते हैं। और ये बुध की जो माउंट है, अगर ये खिसक के कह लो कि बुध अपनी क्वालिटियां किसको दे दे, सन को दे दे, बुध और सन की एक्टिविटी जब जुड़ जाती है, एक दो कहते हैं ना बुध आदित्य योग बन जाता है, ऐसे लोग हर चीज को समझने और परखने की कला सीख जाते हैं। लेकिन अगर बुध का पर्वत खिसक के सन की तरफ चला जाता है, ऐसे लोग काम करते हैं, कोई शक नहीं है, अच्छी चीज एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन
इनको अपने काम की क्रिएटिविटी नहीं मिलती है, काम इनसे कराया जाता है। लेकिन जब इनाम की बारी आती है तो किसी और को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इनको काफी फीलिंग होती है कि काम तो मैंने किया लेकिन इनाम किसी और को मिल रहा है। तो देखिए, अगर बुध का पर्वत दबा है, ऐसे लोगों को हर काम में अड़चने आती है, इनका काम समय पे नहीं होगा। लेकिन अगर इसी के ऊपर कुछ शुभ साइन है बनते हैं तो जीवन में ऐसे लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना कि बिजनेस की कला को बताता है, सुंदरता की कला को दिखाता है, व्यापार करने की कला को सिखाता है, साइंस की कला को दिखाता है। तो ऐसे लोग अगर यहां पर एक स्क्वायर वर्गाकार बन जाए, वर्गाकार हमेशा खतरे को आगाह कर देता है। ऐसे लोगों को खतरे का कह लो कि जैसे भी इनको लगता है कि हम काम किसी काम को कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, व्यापार को कर रहे हैं या किसी और भी चीजों को इनको लगता है, तो ये खतरों से बचा देता है। मतलब उसकी एक्टिविटी कह लो कि कम हो जाती है, उसको समझ जाते हैं। और दूसरा इसी के ऊपर एक साइन है जिसको कहते हैं कि त्रिकोण बनता है। त्रिकोण भी यहां पर काफी शुभ साइन है। कहते हैं कि बुध की कला के क्षेत्र में, बुध की कला के क्षेत्र में ऐसे लोग कुछ नया करते हैं। आप देखें, अगर यहां पर बुध के माउंट के ऊपर ऐसा साइन बना है तो ऐसे लोग कुछ जीवन में नया नया तरीका अपनाते हैं, नए नए बिजनेस के बारे में सोचते हैं। और ऐसे लोगों की पत्नियां काफी सपोर्ट होती है उनके काम को लेके, उनके काम में मदद कराती है। और व्यवसाय दिन दूना रात चौगुनी तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे लोग एक्सपर्ट कह लो, बिजनेसमैन होते हैं, व्यापार करने की कला और कुशलता होती है। और इसी के ऊपर एक स्टार बन जाए। स्टार हमेशा ग्रहों के पावर को बल दे देता है, ताकत देता है, प्रभावित कर देता है, उत्तेजित कर देता है। कहते ना सितारे आपके बुलंद हैं, हाथ में आपके कलम की ताकत है, तो ये साइन उस पर्वत के क्वालिटियों को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोग नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई तकनीक अपनाते हैं साइंस के क्षेत्र में, साइंस की कला होती है ऐसे लोगों के साथ। एक बिजनेस को नए नए ढंग से करने का आइडिया लाते हैं। अगर किसी के हाथ में दो तीन स्टार बन जाए तो दुनिया को कुछ नई चीज दे के जाते हैं, लोग उनको बरसों बरसों तक याद करते हैं। और ऐसे लोग देखें तो साइंस के क्षेत्र में अपार उन्नत, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, व्यापार करने की कला और कुशलता के क्षेत्र में काफी अग्रसर होते हैं, जीवन में तरक्की को दिखाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में दुनिया को कुछ नया सिखा के जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं विवाह का कुछ संकेत होता है जो कि हम इसी बुध के माउंट के ऊपर देखते हैं, जिसको रिलेशन लाइन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक सीधी लाइनें होती है, तो कई लोगों का विवाह काफी डिले से होता है क्योंकि प्रेम की परवाह नहीं बढ़ पाती है, उत्तेजित नहीं कर पाती है। अगर उसके साथ एक छोटी रेखा हो, उसके मन में जज्बात भर देती है, प्रेम का संचार भर देती है, प्रेम के प्रवाह में बहना जानते हैं। लेकिन अगर इसी रेखा के साथ पैरल रेखा चल पड़े, चाहे विवाह रेखा के पहले चल पड़े या विवाह रेखा के बाद में चल पड़े, अगर ये पैरल रेखा
विवाह रेखा के पहले चली। इसका मतलब एक अलग प्रेम संबंध को दर्शाती है। आपके लाइफ में एक अलग प्रेम संबंध की संभावना देती है। अगर ये प्रेम संबंध विवाह रेखा के बाद चलती है तो विवाह का एक अलग से संबंध बनता है। जितनी बड़ी रेखा होगी उतने बड़े संबंधों के, उतने वर्षों की बात होगी, उतने लंबे प्रेम संबंध की बात होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा ना, कई लोग विवाह तो करते ही नहीं है। अब विवाह नहीं करते हो तो वो हाथ में कौन सी रेखा होती है? इसको हम बुद्ध का क्षेत्र मानते हैं। ये बुद्ध का पर्वत है। बुद्ध के पर्वत के ऊपर एक खड़ी लाइन, ऐसी खड़ी लाइन सीधा बुद्ध की फिंगर की तरफ मुड़ जाए। ऐसे लोग विवाह करना ही नहीं जानते, प्रेम के बंधन में बंधना ही नहीं जानते। ऐसे लोग अविवाहित रहना चाहते हैं। इनको फैमिली रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके हाथ में या किसी के हाथ में भी देखें, अगर एक रेखा बुद्ध के फिंगर की तरफ मुड़ती हो तो ऐसे लोगों का विवाह भी नहीं होता है। अब यहां पर एक और साइन देखते हैं जो कि काफी शुभ और सही मानी जाती है। एक विवाह रेखा सीधी हो और थोड़ी सी हार्ट लाइन की तरफ मुड़ती हो। ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है आकर्षित, सुंदर, सुशील होती है। और कई लोग आपने देखा होगा कि जीवन में कहते हैं ना कि उच्च घराने में शादी होती है, एजुकेटेड परिवार के साथ शादी होती है। अब कोई एक सीधी रेखा लंबी हो और शनि के क्षेत्र में आती हो, ये शनि का क्षेत्र है। शनि एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी रोशनी है, नेम फेम दिला देती है। ऐसे लोगों का उच्च घराने में, एजुकेटेड परिवार में ही शादी होती है। अब देखिए, विवाह के बाद कई बार आपने देखा होगा कि विवाह कुछ दिन के बाद ऐसा संयोग बनता है, ऐसा संबंध बनता है, पति और एक साइड में होती है और पत्नी एक साइड में होती है। हाथ में अगर फोर की रेखाएं बनती हो, ये फोर की रेखाएं हैं, ऐसे लोग एक पूरब की साइड सोचेगा और दूसरा पश्चिम की साइड सोचेगा। मतभेद की स्थिति बनी रहती है, टूटती नहीं शादी, लेकिन चलती है बड़ी दिक्कतों के साथ, बड़ी परेशानियों के साथ, लड़ते झगड़ते रहते हैं, पूरी लाइफ ऐसा चलता रहता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।